हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ लैया चना की सबसे फेमस रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और हम जब बाहर जाते हैं तो इसे खाते ज़रूर हैं। कहीं ना कहीं आप जब घूमने गए होंगे तो आपने इसे बार जरूर ट्राई किया होगा। तो चलो आज इसे एकदम सिंपल तरीके से घर पर बनाकर ट्राई करते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। एकदम अच्छी और करारी गरम गरम लैया चना खाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ पैन। थोड़ा सा पैन में चना डाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक कटोरी चना लिया है। ये भुंजे हुए चने हैं, पर मैं इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी ताकि जब हम लोग खाएं ना तो इसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो इसे बस हल्का सा रोस्ट करना है, बस 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसे उसी कटोरे में हम वापस निकाल लेंगे। उसी पैन में हम दोबारा लैया को डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 कप लैया। अगर आप 4 लोग के लिए बना रहे तो अच्छी है ये, 2 कप लैया काफ़ी होगी इसमें बनाने के लिए। और इसे भी 5 से 6 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है हमें। इसे रोस्ट करते टाइम पे याद रखिए कि इसे लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। अगर मीडियम पे करेंगे तब भी लैया जल जाएगी, और हाई पे कर देंगे तब भी। तो बस हल्का सा इसे रोस्ट कर लेना है लो फ्लेम पे, और गैस को बंद कर देंगे। बस गैस को बंद कर देंगे आप। तो एक बोल ले लेना है, कोई कोई बड़ा कटोरा, कोई बर्तन जिसमें आप बनाना चाहें। उसके बाद पहले इसमें मैं डाल दूँगी लैया, या फिर आप चना डाल दें, कुछ भी डाल दें। उसके बाद लैया डाल देंगे हम। इसे डालने के बाद यहाँ पर मैंने एक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ इसमें। ये चॉप्ड अनियन चाहिए आपको पूरा, और एक टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्च डाल देनी है, और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा नहीं करना है तो आप रेड चिल्ली पाउडर को आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से नमक। यहाँ पर मैंने आधी चम्मच नमक डाला हुआ है। फिर अपने टेस्ट के हिसाब से आधी नींबू का रस, हाँ आधा नींबू का रस ले सकते हैं आप, आधा से एक नींबू का रस ले सकते हैं। और उसके बाद इसमें अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दीजिएगा। जब हम बाहर जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, तो हमने हमेशा कहीं ना कहीं से एक बार रोड पे ज़रूर खाया होगा। तो इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत सिंपल तरीके से बनता है। और अगर आपके पास लैया बची रखी हो तो आप उससे बहुत अच्छे तरीके से इसे बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब आप इसे आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।